पेपर लीक हो रहा है, इस पर भी बड़ा सवाल है। देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल, मैंने कहा कि माफिया तत्व जो किस तरीके से नौकरी की गारंटी लेकर इस तरीके से परीक्षार्थियों को इकट्ठा करता है, और वो भी बीपीएससी का एग्जाम है, कोई मामूली एग्जाम नहीं है। इसको लेकर तमाम तरह की दुहाई दी जाती रही थी प्रशासनिक स्तर पर, और उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना सबसे बड़ी बात यही है। और इसमें सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी, कितने दिनों से ये सारा कुछ चल रहा था, परीक्षार्थियों को इस बारे में जानकारी दी जा रही थी, उनसे पैसे की उगाही की गई है, उनके मोबाइल फोन तक परीक्षा जो माफिया है उन्होंने जमा करवा लिए थे। अब जो मोबाइल है वो जब्त होगा तो और कई बड़े खुलासे होंगे। तो कार्रवाई लगातार जारी है आर्थिक अपराध इकाई के सहयोग से और झारखंड पुलिस के सहयोग से। देखना होगा कितना बड़ा खुलासा जो है वो आने वाले दिनों में होता है। इसकी निगाहें सबकी, इसकी निगाहें सब पर जो है लोग हैं उनकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर मिल रही है, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी, रद्द हो सकती है शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी पाई गई है और ऐसे में रद्द भी हो सकती है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर रेड किया गया, पटना हाजीपुर समेत कई जिलों में ईओयू की टीम ने छापेमारी की और हजारीबाग में 300 से अधिक परीक्षार्थी पकड़े गए। ईओयू की सूचना पर झारखंड पुलिस ने इन सभी को पकड़ा है, गिरोह के कई सदस्यों से अब ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। संजय, छापेमारी के दौरान क्या कुछ अभी तक सामने आ पाया जांच एजेंसी के सामने, क्योंकि हजारीबाग में 300 से अधिक छात्र पकड़े गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पेपर लीक कांड में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, और ये जो कार्रवाई चल रही है इसमें हजारीबाग में छापेमारी की गई, वहां पर ये लोग पकड़े गए हैं। और जो लोग पकड़े गए हैं वो बिहार के पटना के अलावा गया के, नवादा और जहानाबाद के रहने वाले हैं।